भागलपुर के जगदीशपुर में कल यानी बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कुल 208 मतदान केंद्र और 116 भवन बनाए गए हैं। साथ ही सहायक मतदान केंद्र की संख्या 29 है और चलंत मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। संवेदनशील मतदान केंद्र 82 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 126 है। इसको लेकर जिला अधिकारी ने कहा कि कल के मतदान के लिए हम सभी पूर्ण रूपेण तैयार हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कल यानी 29 सितंबर की सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक वोटिंग का कार्यक्रम चलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही बूथ पर सारी जो भी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है वह वहां के पदाधिकारियों को दे दी गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला निर्वाचन की टीम मुस्तैदी से कार्य करती दिख रही है। के साथ में जो सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त किया गया है, ठीक है, कोई भी निर्वाचन जो होता है उसमें हम लोगों को जो आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है, चाहे वो भारत निर्वाचन आयोग का हो, जब हम लोग कराते हैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव और या फिर पंचायत का चुनाव हो, पैक्स का चुनाव हो, तो हर एक के लिए एक प्रावधान बना होता है। जैसे पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में पंचायत चुनाव में पहले अपनी सहभागिता निभाई होगी, रेडिंग ऑफिसर रहे होंगे, किसी स्थिति रहे होंगे, सेक्टर रहे होंगे। तो सबको ये चीज समझना होगा कि चुनाव जो है एक टीम वर्क है, चाहे वो एक पुलिस के कांस्टेबल हो या हमारा प्रिजाइडिंग अफसर हो, P3 हो या PCCP हो, सबका अपना दायित्व है जो आयोग ने निर्धारित किया है, चाहे वो DM हो या SSP हो, सबका जो काम है वो आयोग ने निर्धारित किया है। किसी भी काम में अगर हम थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो उससे पूरी हमारी चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होगी, दूषित होगी, पॉल्यूटेड होगी, मतलब हो सकता है कि उसके कारण चुनाव बाधित हो, यदि पोलिंग की नौबत आए और आयोग जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि किसकी गलती के कारण जो है बदनामी हुई, रिपोल कराना पड़ा या बात आयोग तक पहुंचे। तो सबको अपने अपने काम के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। और जो PCCP का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। PCCP जो होता है पेट्रोलियम कम कलेक्शन पार्टी बोलते हैं, मतलब पेट्रोलियम का भी नहीं तो होता है और आपको EVM यहाँ से कलेक्ट करके आपको जो पोलिंग पार्टी है, प्रिजाइडिंग अफसर और उनकी टीम है, उनको हस्तगत कराना है। चुनाव होने के बाद आपको EVM को कलेक्ट करके, और इसमें तो इस बार का पंचायत चुनाव आप लोग जान ही रहे हैं EVM से भी हो रहा है, दो पद का पंच सरपंच का बैलेट से जैसे पहले होता था वैसे भी होगा। तो फिर EVM और बक्सा वो कलेक्ट करके, और पहले से प्रिजाइडिंग अफसर आते थे जमा करने के लिए, अब आपको पता होगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के साथ में दो और जो उसके P1 P2 हैं वो भी आएंगे, क्योंकि EVM बढ़ गया है, कलेक्ट पेपर बढ़ गया है, उनको भी अपनी गाड़ी में ले करके और सुरक्षा बल के साथ काउंटर जहां हमारा सारा इस बार मतगणना जो है सबौर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका लैब 1 लैब 2 है, तो वहां पर आपको आपको उनको ला करके जमा करवाना है। सारा प्रपत्र उनका भरा हुआ होना चाहिए, जब तक सारी सामग्री जमा हो करके रिसीविंग नहीं मिल जाती है तब तक आपको वहां से हटना नहीं होता है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।